Ladies and gentlemen, may I please invite on stage Dharam ji to share his thoughts on Dilip Kumar. Good evening, friends. आज की शाम, आज का ये खूबसूरत जश्न जिनके लिए मनाया जा रहा है, उनके लिए आमिर ने, जावेद ने बहुत कुछ कहा है। मैं इतना कहूँगा कि इस इंडस्ट्री के सबसे दरख्शां सितारे से रोशनी चुराकर मैंने अपनी हसरतों के दिए की लौ को रोशन किया है। आधी सदी से भी एक लंबा अरसा हुआ हो गया इस बात को। एक नेक रूह से मेरी रूह का तारुफ हुआ था। मैं एक खूबसूरत नौजवान को देख रहा था पर्दा सीवी पर। राम था उसका नाम, चेहरे पर जलाल था, वतन प्रस्ती का मादा था और हाथ में तिरंगा झंडा लिए खुली जीप पर गा रहा था, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। वो लम्हा मेरे दिल पे नक्श कर गया। एक सुरूर सा आने लगा फिल्म देखते देखते। बाहर आया तो एक वजद तारी हो गया मुझ पर। सिनेमा घर के बाहर आकर मैं उस बैनर्स को देखता रहा। ये एक जुल्फ, एक प्यारा सा चेहरा, मासूमियत भी है, सब कुछ है, नेकी भी है। सोचने लगा ये कहीं मेरा भाई तो नहीं है। हंस हंस जाग उठी कि मैं भी इस जन्नत जहाँ ये खूबसूरत हसीन और जमील शहजादे हैं, ये अप्सराएं हैं, मुझे भी जाना चाहिए, मेरे ही हैं। ऊपर वाले ने सुनी, मौका लगा मैं चलाया यहाँ। सबसे बड़ी हसरत थी कि मैं दिलीप साहब से मिलूं सबसे पहले। और ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था मैंने कि इस अजीम फनकार के घर में, इस पठान फैमिली में पंजाब का ये जाट एक चहीता मेंबर बन जाएगा। ऐसे आना जाना शुरू हो गया, मुलाकातें होती रहीं, प्यार से जप्फियाँ पड़ती रहीं। दिलीप साहब मुझसे अपना प्यार का इजहार करते रहे, मैं अपने प्यार का इजहार करता रहा। एक रात की बात है कि खाना वाना खाया, बिरयानी खूब भजी भर के खाई, नर्मदा नाम के इनकी जो खाना बनाती हैं उनसे भी मुझे बहुत प्यार था कि बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं। तो दिलीप साहब ने कहा नहीं बैठो यार, जाने नहीं दूंगा, बैठो। मैं बैठना धर्म, बैठ बैठना थोड़ी देर बैठ, मैं और बैठना जा रहा। तो मैं बैठा रहा और मेरा टाइम हो गया सी। तो इस बात का एहसास इन्हें भी शायद हो गया होगा कि थोड़ी विस्की लेंगा। मैं कहा जी वाह, मेरा चेहरा खेल उठा। बोतल आ गई, गिलास में मैंने पैक बनाए। तो उन्होंने कहा मैं थोड़ा, मेरे लिए थोड़ा। तो मैंने जब इनका मुंह था तो मैंने अपना हिसाब से अपना भर लिया। दिलीप साहब का जैसे एक मखसूस अंदाज है, इनका पैक छोटा था, वक्फा लंबा था। मेरा पैक बड़ा था, वक्फा छोटा था।
अच्छा मूड में आ गया मैं, मुझे हमेशा अपने ही लगे हैं, कभी गैर लगे ही नहीं, जब वहाँ से नहीं लगे, ईसा नेपाल में था तब गैर नहीं लगे, तब मेरे अपने लगते थे। तो हंसते हंसते मैंने जो अंदर एक सवाल उबल रहा था जानने के लिए कि इनके चर्चे कुछ सुने जाते थे थोड़े बहुत, हर किसी के होते हैं किसके नहीं हैं, तो मैंने ऐसे ही कहा कि दिलीप साहब वो जो एक एक ये समझ गए ये एक एक क्या कर रहा है। तो मेरे चेहरे पे एक छोटी सी हल्की चपत लगा, तुम बहुत शरारती हो, ऐसी बातें नहीं पूछा करते। मैं मुबारकबाद देता हूँ तारा जी को, कहाँ बैठी हैं, हाँ, कि इन्होंने ना जाने कैसे इनके वो सारी बातें इनसे उगलवाई होंगी। मुझे लगता है इनके उस किताब के की हर सतर के हर लफ्ज़ को हम गौर से पढ़ेंगे और खोजेंगे कहाँ, कहीं ना कहीं वो बहुत सी बातें मिलेंगी। मैं बेचैन हूँ उस किताब को पढ़ने के लिए। वैसे मैं बहुत कुछ जानता हूँ, शायद उस किताब में कुछ होगा, ज़्यादा होगा, तो मैं वो पढ़ूँगा। और मैं चाहता हूँ मेरे इस बड़े भाई का साया मुझ पर, इस फिल्म इंडस्ट्री पर हमेशा हमेशा बना रहे, ये सेहतमंद रहे, और ये सायरा जी और दिलीप साहब की ये खूबसूरत जोड़ी हमेशा सलामत रहे, और आप इसी तरह इकट्ठे होते रहें, ऐसे जश्न हमेशा मनाते रहें, खुश रहिए। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा।